करके पूजा अर्चना के लिए ये सब चीजें हैं। ये हमारे नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग गोमती नगर सीएमएस में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जेबा इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ स्कॉलर्स बर्ड्स के द्वारा आज जो इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है आयोजन किया गया है, जहाँ पे 150 से ज़्यादा लखनऊ के प्रिंसिपल आए हुए हैं और देश के कोने कोने से और प्रदेश के कोने कोने से बहुत सारे स्पीकर्स भी आए हैं, जो शिक्षा की नीति में क्या बदलाव लेकर के आएंगे और शिक्षा को और अच्छा कैसे बनाया जाए। 2020 से कुछ पॉलिसी आई थी शिक्षा की नीति को लेकर के, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो 2020 में जैसे कोरोना काल आया था और 2021 में, उसके बाद कुछ शिक्षा में आगे बढ़ोतरी नहीं हुई थी और कुछ चीज़ें रुकी हुई भी थी। तो 2020 के बाद में जो 21 और 22 और 23 को लेकर के तैयारी करी गई है, उन तैयारियों के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन करा गया, सेमिनार करा गया है और साथ में आगे 24 और 25 के लिए भी तैयारी करी जा रही है, क्योंकि जो देश का भविष्य होता है वो शिक्षा पे निर्धारित होता है और शिक्षा प्रिंसिपल और टीचरों के ऊपर निर्धारित होती है और टिकी भी रहती है, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर जब अच्छे से स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे तो देश का भविष्य अच्छा होगा। तो ऐसे देश के भविष्य को निर्माण करने के लिए जेबा परवीन जी जो फाउंडर हैं आपका, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत कार्य करती रहती हैं कि शिक्षा कैसे अच्छी हो और शिक्षा के लिए कैसे बढ़ोतरी हो। तो अंदर हम आपको लेके चलते हैं और स्पीकरों से मिलवाएंगे कि आज के कार्यक्रम पे वो क्या कहेंगे और साथ में जो आए हुए 150 प्रिंसिपल है उनसे ही बात करवाएंगे कि शिक्षा को लेकर के उनकी आगे क्या नीति रहेगी और शिक्षकों को लेकर के उनकी क्या तैयारी रहेगी। आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और कार्यक्रम में क्या क्या होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं और साथ में जेबा परवीन जी से ही बात करेंगे कि कार्यक्रम को लेके वो क्या कहती हैं। ऐसे बिल्कुल खत्म करना हमारा फोकस नहीं है, इसलिए भी प्रॉब्लम आई डोंट थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड और वी विल प्रॉब्लम टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर सर्वे टू प्लान इन मनी फॉर में। हम लोग गोमती नगर सीएमएस में विशाल खंड में, जहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने शिक्षा को किस तरह से और अच्छा करा जा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार करा जा सकता है, तो इसके बारे में आज बहुत सारी चर्चाएँ हुई। तो हमारे साथ प्रदीप सर जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। उन्होंने एक सवाल किया था लोगों से कि गुरु और शिष्य के बीच की दूरी हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमें आगे से आगे क्या कार्य करना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से जो सेमिनार का आयोजन किया गया है? एक एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा अच्छा प्रयास है और जेबा एजुकेशन इंटरनेशनल ऑफ स्कॉलर बर्ड्स का ये प्रयास बड़ा सराहनीय है, क्योंकि NAP 2020 से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी अपेक्षाएँ हैं कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए, मजबूत युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सुविचारित रणनीति है एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए, उस दिशा में हम काम करें, उसके लिए इस तरह के सेमिनार, इस तरह के वर्कशॉप बड़े ही प्रासंगिक होते हैं और ये प्रयास इनका बड़ा सराहनीय है। और आपने देखा होगा कि एक ब्रेन स्टार्मिंग सेशन की तरह बड़े एक्सपीरियंस्ड ओरेटर्स ने अपनी अच्छी अच्छी बातें रखी हैं। हम लोग इस दिशा में काम करते रहेंगे और NAP 2020 की जो भी उसका कंसेप्ट है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर आपने एक सवाल करा था कि गुरु और शिष्य के बीच की दूरी किस तरह से हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, ये कोई ऐसा रेडीमेड आइडिया नहीं होगा कि हमने तुरंत कोई सॉफ्टवेयर फिट किया और गुरु शिष्य के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जो टीचर्स की रिस्पांसिबिलिटी थी वो महसूस करें और हम इतना बच्चे को प्रेरित कर दें कि वो अपने शिक्षक के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा हो जाए, वो महसूस करे कि इनसे जो भी हम अडॉप्ट करेंगे, जो भी ग्रहण करेंगे, हमारी लाइफ स्टिल पूरी लाइफ में हमारे लिए वो बड़ा उपयोगी साबित होगा। दोनों तरफ से पहल होगी तभी ये दूरी कम होगी और उस दिशा में NAP 2020 में भी कई ऐसे कंपोनेंट हैं जिस पर हम आगे चल करके इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर जावेद आलम जी भी हैं। बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जितनी भी डिस्कशंस किए जाएं कम हैं,
हालांकि वही चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन रिपीट करने से बहुत से लोग जो नहीं कर रहे होते हैं वो करने लगते हैं, उनके एडवांटेजेस पता चल जाते हैं लोगों को। जैसे लैंग्वेज पे है कि हम लोग लैंग्वेज यूज़ करें जो बच्चों की है लैंग्वेज, और भी जो आउटलाइंस करिकुलम के ऊपर है बहुत बहुत ही अच्छा है। इस तरीके के और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। ऑल दो CBSE इतनी ट्रेनिंग्स करवा रही है NEP को लेकर, जिससे कि कोई स्कूल छूटा ना रहे, जब तक टीचर्स नहीं जानेंगे वो करवा नहीं सकते स्कूल्स को। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच जो कम्युनिकेशन होती है, एक वार्तालाप होती है, यानी कि जो हम सवाल स्टूडेंट करें और टीचर्स का जवाब दें, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हेजिटेशन में होकर के सवाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? टीचर्स के लिए, टीचर्स को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें हर किस्म के बच्चों से डील करना है। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है और टीचर एक होती है। अगर टीचर रेशियो पे काम किया जाए और वो अप्रोप्रिएट हो और टीचर ट्रेंड और टैलेंटेड हो, ये चीज़ बहुत आसानी से हल हो सकती है। टीचर्स को स्पेशली रेडी रहना चाहिए कि हमें हर किस्म के बच्चों को डील करना है। कुछ हेसिटेंट होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दूसरों को आने आगे नहीं देते अपने आप से, तो उनको हमें कैसे डील करना है जिससे जो बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं वो आगे आकर अपनी बात को कह सकें। शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे कि शिक्षा एजुकेशन जो थी काफ़ी महंगी होती चली जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत उनकी अंदर क्वालिटी होती है, बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता है कि वो इतनी हाई एजुकेशन जो अचीव कर सके, तो इसके बारे में भी कैसे कार्य आगे? भाई देखिए, अभी तो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज है, RTE देख लीजिए आप। दूसरा, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें कि वो गरीब बच्चों को टेस्ट करके 9th और 11th में बोर्डिंग स्कूल्स में दाखिला करवा रहे हैं। हम लोग के पास भी आ रहे हैं ऐसे बच्चे, और चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, वो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको हम लोग स्पेशली अलग से क्लास करवा के ट्रेन करके पढ़वा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं बच्चों के, ऐसे बच्चों के लिए भी के आगे आकर अपने आप को बेहतर कर सकें। बहुत स्कूल्स भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं के लिए, सेपरेट क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स अरेंज करते हैं, मॉर्निंग में अरेंज करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स लाते हैं। नॉट एवरीबडी बट मेनी ऑफ देम आर डूइंग इट। बहुत लोग आज के सेमिनार के बारे में क्या कहेंगे? भैया आज का सेमिनार इतना इंटरेस्टिंग था, अभी तक तो हमारे फारूक साहब ने बताया, हमारे चीफ गेस्ट ने बताया, सुनीता गांधी जी ने बताया। मुझे ये लगा कि इन सबको सुनने के बाद में हम लोग ने इतना सीखा है कि अगर इसका थोड़ा भी जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो आई एम श्योर कि स्कूल्स विल बेनिफिट। और मकसद ही मेरे ख्याल से यही है इस सेमिनार का कि टेक द गुड पॉइंट्स एंड इम्प्लीमेंट देम इन योर स्कूल्स। आज ये जो इवेंट हुआ है वो एक रेडी रेकनर है NEP के बारे में, स्क्वा के बारे में, और जो भी प्रिंसिपल आए उन्होंने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है इसमें, NEP की बातें समझी, और जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स थे, पैनलिस्ट थे, सभी ने अच्छे से इंटरेक्ट किया। और हमें लगता है कि ऐसे इवेंट्स एक चेंज लाएंगे, जो कि कमी रह गई थी। सर्कुलर्स आते हैं, फाइल में दब जाते हैं, आज जो बातें सर्कुलर्स में थी उस पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो हमें लगता है ज़ेबा जी ने जो किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और साथ साथ अच्छा ऐसे ही करना चाहिए। और इससे क्या हुआ कि हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, चर्चा हुई, वो स्कूल में इम्प्लीमेंट होनी है एज सून एज पॉसिबल। तो हमें लगता है कि जो भी यहाँ आज प्रेजेंट करके गए और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट चेंज फॉर देयर स्कूल्स एंड फॉर दोज हु हैव डिस्कस्ड। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ में डॉक्टर फारूक जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज जो सेमिनार हुआ शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर के और अच्छा क्या करा जा सकता है, और किस तरीके से प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच में और टीचरों के बीच में किस तरीके से अच्छा कम्युनिकेशन जारी रख सकता हो सकता है। तो सर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि इंसान की पूरी ज़िंदगी में शिक्षा ख़त्म कभी नहीं होती, और आज का जो सेमिनार था और ये वर्कशॉप था, ये भी इस चीज़ की तर्जुमानी करता है कि हमको उम्र भर सीखना है।
और हमको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह आगे बढ़ना है, चाहे हम टीचर हों, प्रिंसिपल हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों। ये लर्निंग सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारी खुद की जो शिक्षा है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए, तब जाके हम अपने स्कूल्स को, अपने क्लासरूम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना भी डिस्कशन हुआ, जो भी इंटरेक्शन हुआ, आई एम श्योर हर इंसान के लिए यहाँ कुछ न कुछ सीखने के लिए था, और हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने को था कि क्या मसले हैं, जहाँ पॉलिसीज आती हैं, जहाँ नए ख्यालात आते हैं, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनकी खुद की नीड डेवलपमेंट क्या है, उनको कैसे किस किस्म का ज्ञान और किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुल हों। और इट्स ए बिगिनिंग, और मतलब ऐसा ये सिलसिला चलना चाहिए, इट्स नॉट वन टाइम करेक्शन, हमको रेगुलरली इंटरेक्शन करना चाहिए, रेगुलरली एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सबक सीख लें, इनको दूसरे स्कूल को विजिट करना चाहिए, आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, एक नेटवर्क डेवलप करना चाहिए ताकि जो भी अच्छी चीज़ें स्कूल में हो रही हैं दूसरों को उनको लाभ मिलेगा। सर, जैसे ज़ेबा परवीन के द्वारा ऐसे जो सेमिनार होते रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार होते रहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? ज़ेबा परवीन का जो काम है वो प्रिंसिपल्स का काम था, लेकिन उसने उनका काम बड़ा आसान किया, वो अच्छी तरह से उनको इकट्ठे लाती हैं, उनको यू नो कलेक्ट करती हैं एक जगह, फैसिलिटेट करती हैं, उनके लिए मौका फराहम करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स को चाहिए कि इस चीज़ का वो अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएं, यू नो एक्सप्लाइट करें इस सिचुएशन को अच्छी तरह से, ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएं। यू नो शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, शी इज़ यू नो डीलिंग विद द इंडस्ट्री एंड गेटिंग पीपल एंड गेटिंग एक्सपर्ट्स। सो जो लोकल लोग हैं, एक तो उनको उनका थैंक यू करना चाहिए कि शी इज़ फैसिलिटेटिंग दिस एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग फॉर देम, दूसरा यह है कि उनको ईजिली मिल रहा है ये चीज़, तो इसका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर दीप्ति पांडे जी हैं, जिन्होंने आज सेमिनार में भाग भी लिया और अच्छा सा प्रिंसिपल के साथ में जो है 1-to-1 भी किया और स्पष्टीकरण भी किया, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जो सेमिनार का जो आयोजन किया गया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? तो मैम आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत। आज अंडर जीस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बातचीत हुई है, जितने एमिनेंट स्पीकर्स आए थे दे वर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, जिन्होंने कई गाइडलाइंस पॉलिसीज बनाई, उस पर विश्लेषण किया, उसके बारे में टेस्ट किया और उसके बारे में सोचा। तो आज जो डिस्कशन का पॉइंट था कि NEP 2020 क्या है और उसका जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो कहाँ जा कर के हमें हेल्प करेगा, कौन से ऐसे बढ़िया स्कूल्स हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके एक कोलैबोरेटिव अप्रोच ली जाए और जो फाइनल जिसको बाकी लोग फॉलो करें। तो जितने NEP 2020 के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे 5+3+3+4 एजुकेशन ईयर्स हैं बच्चों को पढ़ने के लिए एज़ पर द रिज़ल्ट ओरिएंटेशन, तो क्या वो एप्लीकेबल हो पाएंगे, उस पर विचार था। उस पर विचार, मेरा बैकग्राउंड MIT यूनिवर्सिटी से है, सो मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो 12th ग्रेड करके आते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ने आते हैं, उनको हम कैसे ढूंढ पाएँ। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बहुत बढ़िया माध्यम रहेगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा की स्किल कैसी है, कि कौन सी अच्छी स्किल है, तो उसे कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए। तो करियर वर्कशॉप्स विल बी वेरी ईजी इन फ्यूचर इफ़ वी सी द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड डायरेक्टली, विच इज़ अ पार्ट ऑफ NEP 2020। और जिस तरीके से ज़ेबा परवीन ऐसे जो सेमिनार करती रहती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और कैसे शिक्षा को अच्छा करा जा सकता है, तो उसके बारे में क्या? ये जो जैसे कि अभी वसल सर ने भी बोला, जो ये ज़ेबा कर रही हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है सारे एजुकेटर्स को, सारे एकेडमिशियंस को, प्रिंसिपल हेड्स को, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को, कि अब एक सोचने का आपका टाइम आ गया, इट्स हाई टाइम, जो कि हमें आपस में ही कर लेना चाहिए था कोलैबोरेटिवली, समहाउ डिले हो गया क्योंकि हम रूटीन वर्क में बिजी रहते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जब तैयार हमें मिलता है थ्रू जीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो हम उसमें भाग लेते हैं, तो अपने विचार उसमें प्रकट करते हैं और वो फाइनली कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट, जैसे आप लिख रहे हो, ले रहे हो, रिकॉर्डिंग जाएगी तो डॉक्यूमेंटेशन आता है, तो हम बाध्य हो जाते हैं कि इसे हमें इसको ख़त्म करना है, आउटकम ज़रूर बनाना है इसका। कोई भी चीज़ जब शुरू हुई है उसे ख़त्म तब करेंगे जब उसका आउटकम बनता है। आउटकम क्या होगा, क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या जो गाइडलाइंस आई है कि हम फॉलो करवाना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है 24-25 सेशन में NEP विल बी डेफिनेटली हिटिंग टू ऑल द स्कूल्स, ऑल द गुड स्कूल्स एज वेल एज टू द स्कूल्स विच आर एवरेज विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जहाँ पे जो गैप्स हैं उनको मानने के लिए
जैसे आज हमारे पास एक और स्पीकर आए थे जो कि क्वालिटी की बात कर रहे थे, कैसे हम एसेस करते हैं कि हमारे पास टीचर कैसी पढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बच्चों का रिजल्ट क्यों ऐसा आया, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर पैरामीटर्स हैं। स्क्वा जो पैरामीटर उन्होंने बोला था, सो मैनी थिंग्स आर देयर, तो वो भी हमने उनके नज़रिए से सीखा। अब ये चीज़ें पता चलेंगी, विच विल इसकी रिपोर्ट बनेगी, आउटकम रिपोर्ट विच विल गेट डिसिमिनेटेड टू वेरियस स्कूल्स, तो उनके प्रिंसिपल्स हो सकता है इस पर डिस्कशन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, और 24-25 के सेशन में डेफिनेटली इस पर नो इम्प्लीमेंटेशन होगा उस स्कूल में भी। जैसे प्रिंसिपल और स्कूल मिलकर के बच्चों की तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, वैसे आज सभी लोग ने मिलकर तैयारी की अपने एग्जाम। बहुत बढ़िया भैया, ये आपने इतना बहुत अच्छा इसका उदाहरण देकर शब्दों में बहुत बिल्कुल यू हैव कम्प्लीटली गिवन द करेक्ट आंसर टू दिस कि हमने तैयारी करी है खुद अपने को एसेस करने के लिए सारे स्कूल्स को और आगे बढ़। टीचर्स और प्रिंसिपल और जितने भी मैनेजमेंट है सब लोग अपनी तैयारी करेंगे तो हम लोग देश का एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के तैयार रहेंगे। हमारे लिए एनईपी में सबसे पहले वो कह रहा है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, देशभक्त भी बनाना है, क्योंकि उसमें मल्टी लिंगुअल की भी बात हो रही है, और उनका भविष्य मजबूत बनाना है। कहीं ना कहीं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे या पढ़ के सही दिशा में नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए उन्होंने एकदम बढ़िया सी एलईडी पिक्चर चला दी है एनईपी 2020 की। द्रोणाचार्य, जिस तरीके द्रोणाचार्य ने अर्जुन का लक्ष्य साधा, भीम का लक्ष्य साधा, धृष्टि का लक्ष्य साधा कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो, तुम क्या कर सकते हो, तो अपनी काबिलियत देखो, वही आज ये इस टॉपिक में होगा। डेफिनेटली बिल्कुल, आई एम वेरी मच श्योर, और होगा। पॉजिटिव थिंकर्स हम जो आज आए हैं, हम सब में पॉजिटिविटी थी इस इवेंट को लेके, इसलिए सब आए हैं। ठीक है, तो अगर जितनी भी कायनात जोर लगाएगी विद फुल ऑफ एनर्जी तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर आएगा। तो आज के सेमिनार में बहुत से स्कूलों के प्रिंसिपल भी यहाँ पे आए हुए थे, महाराजा अग्रसेन पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम भी हैं, तो आज के सेमिनार में आकर के उनको कैसा लगा और जिस तरह से शिक्षा को और अच्छा बेहतर बनाया जा रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगी, और जेबा परवीन के द्वारा ये कार्य करा जा रहा है जिस तरीके शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के और अच्छा सुधार करा जाएगा आगे चल करके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। मैम आपका स्वागत। धन्यवाद अर्चना जी कि आपने जो है मुझे इस बात के लिए चुना कि कुछ बातें मैं बता पाऊँ। NEP 20 पे जो आज का सेमिनार जेबा परवीन के द्वारा बहुत से और कोलैबोरेशंस में हुआ है, और जो NEP 2020 को लेकर जो बातचीत, जो एक पैनल डिस्कशन हुआ है, उसमें हमारे CBSE के जॉइंट डायरेक्टर भी थे श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, और डॉक्टर जावेद जो हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, और अलग अलग पैनलिस्ट में जो हमारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी थे, और ज़्यादातर यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स और एसोसिएशंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है, हम लोगों ने कुल मिलके आपस में जो अपने आइडियाज़ को शेयर किया, एक्सचेंज किया, वो ये है कि हम NEP 2020 के माध्यम से जो अभी स्कूलों में क्वालिटी असेसमेंट जो करिकुलम है उसको कैसा और बढ़ाया जाए, और कैसे जो हमारी टीचिंग है उसको प्रैक्टिकल वे में लाया जाए, चाहे वो प्री प्राइमरी की क्लासेस हों, चाहे वो हायर सेकेंडरी की क्लासेस हों। और कुल मिला के जो हमारा आज का सेमिनार का जो उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी एक ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि प्रत्येक जो एजुकेटर्स हैं या प्रत्येक शिक्षकगण है और प्रत्येक पेरेंट्स जो हैं ये समझे कि शिक्षा एक कठिन रास्ता नहीं लेकिन हर एक भाषा में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा जितना हम सरल करके स्टूडेंट तक ले जाएंगे उतना उस अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि शिक्षा के लिए शिक्षक और प्रधानाचार्य तीनों को तैयार होना चाहिए। सबसे पहले प्रधानाचार्य को अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, फिर शिक्षक को। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक चेन पद्धति है, एक चेन के द्वारा ही शिक्षा को बढ़ावा और प्रसार किया जा सकता है, जिसमें हमारा प्रधानाचार्य जो विद्यालय के हैं उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है शिक्षकों का, और इसमें जो हमारे अभिभावक जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि बच्चों को कैसा माहौल वो प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चों के लिए वो सारी सुविधाओं को आगे हमारे विद्यालय के साथ जुड़कर एक प्रोत्साहन का काम करते हैं। जेबा परवीन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे कार्यों, शिक्षा के कार्यों में और आगे प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं जेबा परवीन जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक चैनलिस्ट हैं, वो एक टीम लीडर के जैसे हर एक क्षेत्र में एजुकेशन के, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रिंसिपल, चाहे वो प्रबंधक हो विद्यालयों को, उनको जोड़कर एक साथ एक टीम के रूप में आगे लेके चलती जा रही हैं। जो उनका काम देख के हर एक प्रिंसिपल, हर एक जो स्कूल के जो हमारे मुखिया हैं वो बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं। टीना तिवारी जी भी हैं जो भी जैसे बहुत से स्कूल 150 स्कूलों से प्रिंसिपल यहाँ पे आए हुए आज के सेमिनार में भाग लेने के लिए, तो रीना तिवारी जी से भी हम बात करेंगे आज के सेमिनार के बारे में, क्या कहेंगी। मैम आपका स्वागत।
मैं पहले तो जेबा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज हम यहाँ पर आकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के बारे में जाना, जिसमें हमारे बहुत सारे एमिनेंट गेस्ट थे, जैसे कि डॉक्टर प्रदीप कुमार जी थे, डॉक्टर जावेद सर थे, रितेश गुप्ता सर थे, और डॉक्टर फारूक अहमद सर थे, सुनीता गांधी मैम थे, और बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया और हमें ये भी बताया कि किस तरह से जो सुविधाएं हमारे पास हैं उससे हम किस तरह से स्कूल में बच्चों को और अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें एफर्ट के साथ कम सुविधाओं में किस तरह से हम बच्चों को स्किल बेस्ड पढ़ाई कराएं। बुकिश नॉलेज तो शायद हम पहले से भी पढ़ते चले आए हैं और ये परंपरा आगे तक चलेगी, इसी परंपरा को तोड़ने के लिए NEP बनाया गया है। आपको आज के सेमिनार में आप लोगों को आपको ये ज्ञान दिया गया कि आप लोग द्रोणाचार्य हो, बिल्कुल आप इस चीज़ की शक्ति पहचानो। द्रोणाचार्य जिस तरह के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे तो उसी के तरीके आप लोग भी बन सक। जी जी हाँ, बच्चों को हमें स्किल बेस्ड पढ़ाई करानी है। ऐसा है कि 12th क्लास करने के बाद उन्हें ये सोचना ना पड़े कि हमें करना क्या है, दिशा हमें छोटे से ही देनी है। गुरु ये दिशा निर्धारित, बिल्कुल हमें ये 12th के बाद डिसाइड नहीं करना है कि हमें क्या बने, इसीलिए हम बच्चों को पहले से एक माइंडसेट जो होता है, आज हमने ये भी सीखा कि माइंडसेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में। तो जैसा आप माइंडसेट बनाएंगे उसी तरह से वही डायरेक्शन आप चूज करेंगे। हमारे साथ तो और ही प्रिंसिपल हैं जो जुड़ रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर महेश गुप्ता जी हैं, जो कि भगवान बख्श सिंह डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो सेमिनार हुआ है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो महेश जी आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो सेमिनार हुई है ये बहुत ही एक माइलस्टोन है एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन के लिए एक नया जो चैलेंज है उसके बारे में हम लोगों को इस सेमिनार के थ्रू पता चल रहा है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 से लागू की गई थी, लेकिन कोरोना पीरियड था इस वजह से उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए थे। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इम्प्लीमेंट दिस इन ऑल ओवर द कंट्री। हमारे पूरे देश में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, और हमारा जो कॉलेज है भगवान बख्श सिंह डिग्री कॉलेज वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय का एसोसिएटेड कॉलेज है। तो हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि इस पॉलिसी को सबसे पहले अगर किसी ने लॉन्च किया तो हमारी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। और हम लोग इस पॉलिसी के बारे में जितना भी जानेंगे उतना भी कम है। आज हम लोगों को जो यहां आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ है इसमें बहुत सारी नई चीजें हम लोग को पता चली है। वैसे तो हमने काफी चीजें समझने की पहले भी कोशिश की है, लेकिन हर एक बार हर एक कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, वर्कशॉप में कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। और नई एजुकेशन पॉलिसी में आज हमको ये सीखने को मिला कि बच्चे कैसे वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज हम लोगों को बताया गया कि हम लोग, वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंसिस्ट करती है कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में ही बच्चों को शुरुआत में पढ़ाएं, लेकिन आज हमको एक नई चीज़ ये पता लगी कि जैसे कारपेंटर का बच्चा है तो वो चाइल्डहुड से ही उसकी एजुकेशन उस डायरेक्शन में होगी, उस दिशा में होगी जिसमें वो कारपेंटरी सीख सकता है, प्लम्बर का बेटा प्लम्बरिंग का काम सीख सकता है, तो जो जिस फील्ड से है उसी फील्ड की वो एजुकेशन ले रहा है। और जेबा परवीन मैम का ये जो एफर्ट है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इनके कई सेमिनार वर्कशॉप में पहले भी आ चुका हूं और मैंने ये देखा है कि मैम हमेशा कोशिश करती हैं कि कुछ न कुछ नई चीज़ें हम लोग के बीच में लेकर के आएँ। मैं जेबा मैम के इस एफर्ट्स को सैल्यूट करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेमिनार। थैंक यू। इस तरीके से हम आपको सेमिनार दिखा रहे हैं। सेमिनार में जो बहुत से प्रमुख स्पीकर थे उसमें से डॉक्टर कुलदीप सिंह जी भी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण किया कि प्रिंसिपल और बच्चों और उनके स्कूलों के बीच में जो शिक्षा का माध्यम चल रहा है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो सर आपका स्वागत। धन्यवाद मैम। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के सेमिनार को? मैम आज की सेमिनार जो जेबा फाउंडेशन ने की है वो वास्तव में जो नई शिक्षा नीति हमारी आनी है और जो NCF 2013 में जो उसको क्रियान्वयन करने का तरीका बताया गया है, उन दोनों का जो सामंजस्य है, आपसी जो संबंध है कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जाए, किस तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज होने वाले हैं, किस तरीके से कक्षा के अंदर जो पेडागोजिकल इंटरवेंशंस हैं वो चेंज होने वाली हैं, बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री और रिजिलियंट वाली एक एजुकेशन आने वाली है, उसी के बारे में आज पूरी चर्चा थी और जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अपनी बात शेयर करने को मिला। मैं दिल्ली से जिस पर्पज से आया था सीखने के लिए, वो पूरा हुआ। थैंक यू। आप जैसे लोग जैसे दिल्ली से आएंगे, कहीं ऐसे लखनऊ में आकर अगर सेमिनार होते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सर ने कहा शिक्षा की कोई समय नहीं होता, शिक्षा जितना सीखो उतना ही बढ़ती, आप नया नया सीखते जाओगे। तो आप लोग जब यहाँ पे आए स्पीकर के माध्यम से, आपने लखनऊ के प्रिंसिपल को, अन्य जगह के प्रिंसिपल को आपने जब मोटिवेट किया, तो उन लोगों को पता चला कि हमारे पास जो साधन है उससे भी हम किस तरीके से अच्छी शिक्षा को आगे कर सकते हैं। मैडम, हमने जो दिल्ली एजुकेशन में परिवर्तन लाया है, चाहे वो हैप्पीनेस करिकुलम हो, EMC करिकुलम हो, देशभक्ति करिकुलम हो, जो माइंडसेट करिकुलम है, और उसके बाद जो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है शिक्षा के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा में उनका सर्वांगीण विकास, जिसे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो हुआ है, वो सब शेयर किया है, और उनके जो पॉजिटिव इंटरवेंशन है वो भी सुने हैं। तो हमें लगता है कि अगर इस तरीके से हम सब मिल के, सभी स्टेट्स और सभी लोग धर्म और जातियों के एक साथ मिलके शिक्षा को केंद्र बिंदु में रखेंगे तो देश का निर्माण होगा। तो आज CMS विशालखंड में जो सेमिनार का आयोजन किया गया था ज़ेबा इंटरनेशनल एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पे उनकी जो फाउंडर हैं ज़ेबा परवीन जी हैं, तो उनके द्वारा जो सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगी, और जिस तरह से उन्होंने 150 प्रिंसिपल और कई लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था, तो आज जो सेमिनार हुआ, एक सफल सेमिनार हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगी और आगे के सेमिनार के लिए उनकी क्या तैयारी। मैम आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना। पहली बात तो ये जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो आयोजन किया था वो नेशनल ये 2020 में आया था, जिसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आया है, सरकार ने भेजा है, तो ये 23 में अब इम्प्लीमेंट होना है, तो इसके लिए एक्सपोजर और हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं सारे प्रिंसिपल्स के लिए। तो इसमें हमने आज इसलिए सेमिनार कराया था कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे सारे जो भी इसमें पॉइंट्स हैं उनको कैसे स्कूलों में लाकर कैसे असेसमेंट वगैरह कराया जाए, टीचर ट्रेन कैसे की जाए। तो इसमें हमने एक बहुत ही बड़ा सेमिनार इसे आयोजित किया, इसमें हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे वो दिल्ली से, कश्मीर से और लखनऊ से सब लोग आए थे, और इसमें तकरीबन 150 प्रिंसिपल ने पार्टिसिपेट किया था। और ये बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इससे इन लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे स्कूल में काम करना है, कैसे बच्चों को में गाइडलाइंस मिलानी है, तो ये सब एक इन लोगों को ब्रीफिंग मिल गई है। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों को टाइम टू टाइम करने चाहिए, ताकि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से समझ पाएं और उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो अगस्त की आज 6 तारीख है, आज का जो आपने सेमिनार किया, आगे की जो क्या तैयारी रहेगी, आगे का सेमिनार कब और होगा ऐसे, क्योंकि अभी तो अब 150 प्रिंसिपल है, काफ़ी प्रिंसिपल अभी बाकी हैं। जी, हम अभी 150 प्रिंसिपल के साथ आज हमने सेमिनार किया था, जो कि CMS स्कूल विशालखंड गोमती नगर लखनऊ में था। इस तरह के हमें और भी बहुत सारे प्रिंसिपल अपने स्कूल में सेमिनार करने के लिए कह रहे हैं, जिससे वो एक्सपोजर दे सके सारे प्रिंसिपल्स के लिए, और एक अच्छा हम लोग मैसेज कन्वे कर सके कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमें इंप्लीमेंट करना है, और उनको सारी गाइडलाइंस हमारे पैनलिस्ट समझा सके। तो ये हमारा आगे भी प्रोग्राम है, अभी हम 150 पे कर रहे हैं, कल को हम इसको 300-400 तक प्रिंसिपल्स के साथ हम करेंगे, और ये हम सिर्फ लखनऊ में नहीं, हम सारे जिलों में इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमने नेशनल एजुकेशन के जो डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार जी, उनको भी हमने बुलाया था, तो उन्होंने भी बहुत हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं आप ऐसा प्रोग्राम करिए और हम आपके साथ हैं। तो सबका जब साथ होगा तभी ये प्रोग्राम हो पाएगा, तो टचवुड सारे लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम आगे भी कंडक्ट करा सकेंगे। जैसे प्रदीप सर जी ने कहा था कि शिष्य और गुरु के बीच में हम दूरी कैसे कम कर सकते हैं, और साथ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट रखे गए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कम पैसों में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हक रखते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी संस्था क्या कार्य करती है? ऐसे बच्चों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाते हैं, ताकि अगर बच्चे थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक भी हैं लेकिन वो पढ़ाई उनकी ना रोके, तो हम लोग जगह जगह स्कूलों में बहुत अच्छे हमारे स्कॉलरशिप और मुस्लिम माइनॉरिटी और हिंदू माइनॉरिटी पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके स्किल को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हम फीस में कंसेशन दिलाते हैं ताकि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, पैसों की वजह से उनकी कोई एजुकेशन ना रुके, और हमारा काम एजुकेशन को आगे एक्सपोज करना है, आगे बढ़ावा देना है, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास अपना करते हैं, और उसमें हमारे साथ सारे प्रिंसिपल्स एजुकेटर सब लोग सपोर्ट करते हैं, हम इसको और भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमें सारे प्रिंसिपल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे प्रिंसिपल के लिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज सेमिनार में एक जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, जो एक सफल जो है वैज्ञानिक भी थे, सफल जो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी थी, वो भी एक ऐसी जगह से आए थे जो बहुत ही एकदम से कहते नहीं गरीब
परिवार के थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, शिक्षा को हर चीज़ आगे बढ़ाया। तो ऐसे भी गाँव में, गली कूचों में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंट होते हैं। तो गाँव में आपकी क्या नीति रही? हम हर उस क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच रहा, और हम खुद बहुत ही मुश्किलों से एजुकेशन हासिल किए हैं क्योंकि हमारी भी बहुत अर्ली चाइल्डहुड पे शादी हो गई थी। तो इसलिए मुझे शिक्षा की मतलब कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है। तो हम चाहते हैं कि हम इस जो इम्पोर्टेंस है लोगों को भी बता सकें, चाहे वो गाँव में हो शहर में हो। तो जो बच्चा पढ़ने की ज़रा से भी ख्वाहिश रखता है तो उसको हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर उसको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि आप आओ पढ़ो, स्किल प्रोग्राम करवाते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम करवाते हैं, ताकि कोई भी मतलब चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो हम पूरा सपोर्ट उसको करते हैं। क्योंकि पढ़ने की और बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती मेरे हिसाब से। जैसे हमने भी इस उम्र में आके बहुत सारी पढ़ाई की और आगे पढ़ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर किसी के दिल में चाहत है कि हमें पढ़ना है तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि पैसा नहीं तो नहीं पढ़ पाया, पैसा नहीं होने के बाद भी अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा। तो मुझे लगता है हर बच्चे को आगे बढ़ चढ़ करके इस बात को कहना भी चाहिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, और उस बच्चे को जो चाहत है वो लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा चाह रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें, अगर उसके पास पैसे नहीं तो हम लोग स्कॉलरशिप इंतज़ाम करें, हम लोग कहीं से उसके लिए फ़ंड अरेंज करें ताकि उसकी एजुकेशन ना रुके। तो ये थी हमारे साथ में ज़ेबा परवीन जी, जो कि फाउंडर हैं आपका आपका ज़ेबा इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडर भी हैं, और सारी चीज़ों का उन्होंने आज अरेंजमेंट यहाँ पे किया था सेमिनार में। तो उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लेकर के अगर आगे चलते हैं तो हम सफल व्यक्ति बनते हैं। शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंदर लगन की ज़रूरत होती है। तो आज उन्होंने अपनी लगन से और अपनी मेहनत से कम यहाँ पे 150 प्रिंसिपलों को इकट्ठा किया, साथ में अनगिनत जो स्पीकर थे उनको इकट्ठा किया, जिन्होंने यहाँ पे आज एक मोटिवेट का जो है सेमिनार हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में जो आपका इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के, यानी कि 2020 को लेकर के जो सारी चीज़ें 2020 से रुकी हुई थी, 2023 है, 23 के बाद 24 आएगा, 25 आएगा, तो 2020 से और 23 के 3 सालों में जो कोरोना काल में जो पॉलिसी रुक गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए आज सेमिनार का आयोजन किया गया था, और शिक्षा के क्षेत्र में नई रफ्तार लाने की कोशिश करी गई थी। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि ज़ेबा परवीन जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या कार्य हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जारी लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।